सो हे गाइस, जैसे प्रकाश आज मैं आपके क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 को फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था और हमने इसका इंट्रो पार्ट भी देख चुके हैं जिसमें कि हमने देखा था ट्रांसपोज क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो नहीं मिला अभी तक तो आप इस अपने स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक करोगे तो आपको एक आई बटन दिखेगा, ऊपर आई बटन दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके आप इस वीडियो पे जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव लगते हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्ट डाटा लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा एक्सरसाइज 3.3 का, उसमें कहा जा रहा है हमसे फर्स्ट पार्ट में इफ एज इक्वल टू इतना दे रखा है हमें, देन वेरीफाई करने के लिए कह रहा है a इंटू a इज इक्वल टू i में वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास a तो है ही। ठीक है, हमारे पास a क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a क्या है। a हमारे पास है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास a है, मल्टीप्लाई करना है हमें a डैश मतलब a ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, a ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, बस आपको रो को कॉलम में चेंज कर देना है। ठीक है, रो को कॉलम बना देना है, मतलब cos अल्फा sin अल्फा, मैंने इसे कॉलम बना दिया, कॉलम का रूप दे दिया, इसे कॉलम का रूप देना पड़ेगा, मतलब sin अल्फा और ये भी cos अल्फा। ठीक है, ये मैंने कर दिया, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल, फिर हमारा देख लेते हैं आएगी, अगर आ जाए तो ये वेरीफाई हो गया नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं cos अल्फा, क्या कहते हैं ए वन निकालने क्या करते हैं हम, रो इंटू कॉलम करते हैं ना, रो लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स से, कॉलम लेते हैं सेकंड मैट्रिक्स से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा अभी तक, अगर वीडियो दिखा है आपने तो। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस साइन इंटू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, डन। अब क्या करना है हमें, इसी को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए वन टू निकालना है। ठीक है, अभी हमने ए वन वन निकाला है, साइन कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, मतलब दैट इज माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दैट इज साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, डन। अब क्या करना है हमें, ए टू वन निकालना है, दैट इज माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, मैं सिर्फ मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, कॉस अल्फा में हाँ माइनस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का, वो भी कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते, देख लेते क्या आया है हमारे पास। ये देखो, आपको पता है आइडेंटिटी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन होता है ना, यहाँ पे थीटा मतलब एंगल, आपके पास अल्फा है यहाँ पर वन हो गया। ठीक है, और ये देखो प्लस में है ये माइनस में, इसी सिंपल कट आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, जीरो बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, जीरो बचिया। अब ये देखो, ये भी सेम कट जाएगा, ये तो जीरो बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, एक यहाँ तो हमारे पास मन होता। ठीक है, तो समझदार हो आप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये देखो आप सिंपली आया क्या हमारे पास ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, RHS इक्वल टू RHS आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया, ये मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया। ठीक है, आपको सेकंड पार्ट सिंपल सेम है इसका, सेकंड पार्ट आई थिंक आप खुद कर सकते हो, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 से फर्दर प्रोसीड करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें, फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है सो दैट द मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, इट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हमसे कहा जा रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना। ठीक है, आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, कंडीशन होता है मुझे पता है ए इज इक्वल टू अगर ए डैश हो जाए तो ये क्या हो जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सॉरी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये कंडीशन था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है, तो मैंने लिखवा रखा है। ठीक है, आपको मिल जाएगा, ये अपने स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे आई बटन में आपको वाला वीडियो मिल जाएगा, तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली, यहाँ पहले तो हमारे पास ए है, मैं इसका ए डैश निकाल लेता हूँ, मतलब ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, क्या मिलेगा मुझे, रो को कॉलम में कॉलम का रूप देना है, मतलब -1 -1 5, इसको मैंने कॉलम बना दिया, इसको फिर कॉलम बनाऊंगा -1 2 1, इसको भी कॉलम बनाऊंगा 5 1 3। अब देखो क्या ये जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल आ रहा है, हाँ मुझे दिख रहा है बिल्कुल सेम आ रहा है, इसके इक्वल ही आ रहा है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ एड इज इक्वल टू एड एस लिख सकता हूँ ना मैं, तो बता यहाँ पे आपको सिंपली इसे क्या मान लेना है, बस फर्स्ट फर्स्ट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है, इसको मान लेना है सेकंड इक्वेशन, तो ये हमारा सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एड एस हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपको इसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो कहा हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपको सेकंड पार्ट में ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कराना है, उसमें हमें ये मैट्रिक्स जो है ए की तरह ए की जगह पे कोई और मैट्रिक्स दे रखा है, बस वहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन क्या होता है हमें याद है, ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश अगर आ जाए
तो वो क्या हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे फर्दर प्रोसीड करता हूँ। नंबर 8 है हमारा फोर्थ द मैट्रिक्स। अगर हम इसे गौर से देखें तो हमें मैट्रिक्स गिवन दे रखा है इसमें क्या कि फोर्थ द मैट्रिक्स ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है हमसे कहा जा रहा है देन वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जा रहा है हमसे करने के लिए प्रूफ। और सेकंड पार्ट में कह रहा है हमसे ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं आपको ये बता दूं आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 में दो थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम में फर्स्ट थ्योरम हमसे कहा गया है कि अगर ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स अगर आप निकाल रहे हो तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ये जो है ए प्लस ए डैश जो है ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। ये फिक्स है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स है, क्योंकि ये थ्योरम में कहा गया है हमसे अगर ए प्लस ए डैश कभी भी आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मिलेगा। ऐसे ही अगर आप इसको भी सॉल्व करो तो आपको हमेशा ये स्क्यू सिमेट्रिक्स मिलेगा ये, और ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन हमें से कहा जा रहा है यहाँ पे कि हमें वेरीफाई करना, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैं फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे वेरीफाई करके आता हूँ आपको, मैं इसे रब करके फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करना चालू कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में यूज़ कर रहा हूँ मैं ए प्लस ए डैश जो है मुझे दिखाना है क्या कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ। हमारे पास क्या है ए क्या है हमारे पास 1, 6, 5, 7, ठीक है। और ए डैश मैं निकाल लूँ, अगर ए डैश निकालना कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे बस उसको कॉलम का रूप देना है 1, 5, 6, 7 मैंने ही दे दिया। अब मैंने इन दोनों को ऐड करना है तो 1 + 1 इज इक्वल टू क्या होता है 2, 5 + 6 इज इक्वल टू क्या होता है आई थिंक मैट्रिक्स आप मैट्रिक्स ऐड करना तो आपको आता ही होगा, समझदार तो हो इतने आप 5, 6 + 5 इज इक्वल टू 11, 7 + 7 इज 14, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास क्या ए प्लस ए डैश, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अभी तो मैंने ए प्लस ए डैश निकाला है, ठीक है। अब मुझे अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करा था मुझे क्या करना, इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। मतलब ए सुनो जो बिगिनर है ना उनको मैं क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ ए प्लस ए डैश जो है इसको मैं इसका मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो बिगिनर जो है उनका उनके लिए बता दूँ मैं ये जो मैट्रिक्स निकाला मैंने ये बी है, ठीक है। लेट्स से ये मैट्रिक्स बी है, सिर्फ कहने के लिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ जो है ना ये वाला मैट्रिक्स जो है ये एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है। मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना, मतलब मुझे बी का ट्रांसपोज निकालना, मैं बिगिनर्स के लिए समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये बी ट्रांसपोज निकालना है मुझे ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये मैं इसका अगर ट्रांसपोज निकालूँ, इसका अगर ट्रांसपोज निकालूँ तो मुझे रो को सिर्फ कॉलम का रूप देना है 2, 11, 11, 14, डन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो है, यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, इस बारे में मैं यहाँ पे कंडीशन दिखाना चाह रहा हूँ। बी जो है मैट्रिक्स बी डैश के बराबर है, मतलब जो है ए प्लस बी डैश सॉरी ए प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स है इसका जो ट्रांसपोज है ना वो इसके ही बराबर है, ये दोनों मतलब इक्वल है। आप ऐसा कर सकते हो, आप ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है सर आपको इक्वल दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना हैंस दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिकॉज सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, अगर ए इज इक्वल टू अगर ए डैश हो जाए तो क्या हम उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड पार्ट में हम वैसे ही ए माइनस ए डैश को जो है हमें स्क्यू सिमेट्रिक्स मिलेगा, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा, आपको वेरीफाई करना हो आप उसे खुद से कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 9 को फर्दर प्रोसीड करता हूँ, तो ऐसे आप छाप लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है उसमें कहा जा रहा है फाइंड हाफ ए प्लस ए डैश, मतलब आपको क्या निकालना है हाफ ए प्लस ए डैश निकालना है एंड हाफ ए माइनस ए डैश निकालना है, आपको ये दो चीज़ निकालनी है। यहाँ पे हमें से कहा जा रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है तो आपको मुझे ये करके देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर से ये पूछा जा रहा है, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है हाफ। मैं फर्स्ट निकाल रहा हूँ, मैं लेट्स से मैंने फर्स्ट पार्ट मान लिया, मैं ये निकाल रहा हूँ हाफ ए प्लस ए डैश निकालूंगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है हाफ ए। हमारे पास क्या है यहाँ पे देखो, ए क्या है मेरे पास, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, पहले तो मैं निकाल लेता हूँ, पहले मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे ए प्लस ए डैश। इसको सॉल्व करने के लिए, मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली पहले ए प्लस ए डैश निकाल लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसका हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो क्या जाएगा हमारे पास, ये पूरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। मैं ए प्लस ए डैश निकाल रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पहले तो ए चाहिए। ए मेरे पास क्या है, जीरो है, ए है, बी है, माइनस ए है, जीरो है, सी है, माइनस बी, माइनस सी, जीरो, ठीक है। और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, इसका अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना ना ए डैश निकालना तो मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, मतलब रो को कॉलम का रूप देना है 0ab - a, 0 - c, डन, बी सी ओ। अब इस दोनों को हम ऐड करना है, ठीक है। 0 + 0 दैट इज ऑलवेज 0, a प्लस माइनस ए दैट इज 0, b माइनस का साइन होगा, यहीं पे गड़बड़ी कर दी मैंने, जस्ट अ मिनट प्लीज। और b - b दैट इज 0, ए माइनस ए प्लस ए दैट इज 0, 0 + 0 = 0, c होगा यहाँ पे, c + - c दैट इज 0, -b + b दैट इज 0, -c + c प्लस c होगा ये, ठीक है। तो दैट इज 0
और 0 प्लस 0 डेट इज 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया सिंपली, ये पूरे इसके सारे एलिमेंट 0 आ गए, इसका मतलब 0 मैटर्स है। तो हमारे पास क्या आ गया है अभी, ए प्लस ए डैश आ गया है। ठीक है, हमें सिंपली क्या निकालना था, हाफ ए प्लस ए डैश निकालना था ना, हाफ ए प्लस ए डैश निकालना था। अगर मैं इन सबको क्या कहते हैं हाफ निकालना चाहूँ तो इनको मुझे सिर्फ हाफ से मल्टीप्लाई करना है। हाफ से मल्टीप्लाई कर आप 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो हमेशा वो 0 मिलता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा, सारे एलिमेंट आपको 0 0 0 0 0 0 0 ये 0 0 0 ही मिलेंगे। ठीक है, आपको सेम ऐसे ही इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर दिया है मैंने। ठीक है, तो फील आ गया होगा। ठीक है, तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हुए।